बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऐसे ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ही प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका और ट्यूब लाइक होते हैं और माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं। ये माइक्रो ट्यूबल्स से मिलकर बनते हैं। माइक्रो ट्यूबल्स एक प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं। माइक्रो ट्यूबल्स के बारे में मैंने साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में डिटेल से बताया हुआ है, जिसने नहीं देखा वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ही प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। इस वजह से इनको सेंट्रियोल्स का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर के करीब ही होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये अ सिंगल सेंट्रियोल कंटेन 9 ट्रिपलेट रोज ऑफ माइक्रो ट्यूबल्स। क्योंकि ये माइक्रो ट्यूबल्स से बने होते हैं, इसलिए इनके पास जो है वो 9 रोज़ होते हैं। ये मैंने ड्रॉ करके दिखाई हुई है, नंबरिंग दे दी है। ये 9 रोज़ होती हैं और हर 9 रोज़ के अंदर ट्रिपलेट मींस के तीन माइक्रो ट्यूबल्स, हर एक रो में तीन माइक्रो ट्यूबल्स की ट्यूब्स होती हैं, जो टोटल अगर हम 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइक्रो ट्यूबल्स मिलेंगी। मींस के अगर एक सेंट्रियोल होगा उसके अंदर 27 माइक्रो ट्यूबल्स होंगे, और अगर दो सेंट्रियोल होंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 27 को, तो 54 आंसर आएगा। ठीक है, तो सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो जब टू सेंट्रियोल्स लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के बिल्कुल। और जो है अगर हम परपेंडिकुलर दो को लेंगे, ये हमेशा इनकी पोजीशन होती ही ऐसे है सेल के अंदर कि ये हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर बनाकर रहते हैं। और जब पेयर की स्ट्रक्चर में होंगे तो परपेंडिकुलर पेयर्ड स्ट्रक्चर में होंगे तो सेंट्रोसोम इनको हम कहेंगे, और अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो हम उनको सेंट्रियोल कहेंगे। इनके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट मूव टू अपोजिट साइड। सेल डिवीजन के दौरान जो है, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स का बहुत बड़ा फंक्शन है। जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। मींस के ये सेंट्रोसोम जब भी सेल, जब अनडिवाइडेड सेल होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक पेयर ऑफ सेंट्रोसोम होता है, और जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं, अपनी एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट चले जाते हैं। एंड ऑर्गेनाइज द लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। और फिर क्या करते हैं, फिर इनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, रेशे निकलते हैं। फाइबर्स हम रेशों को कहते हैं, और ऐसे फाइबर्स निकलते हैं इनमें से जो के जिसके साथ क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं, और ये क्रोमोसोम की लोकेशन और उसकी पोजीशन को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इन्हीं सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स की मूवमेंट से ही ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सेल डिवाइड हो जाता है। ये कंप्लीट जो है वो सेल डिवीजन वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो समझाने का मकसद ये था कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे सेल डिवीजन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।